अच्छा, इस वाले व्लॉग में हम जाएंगे जीरो से गुवाहाटी। जर्नी होने वाली है APSTS की ऑर्डिनरी बस में, साथ ही साथ रहने वाला है आपके लिए जीरो का बहुत ही प्यारा सा टूर। देख लीजिए, ओवरऑल लेक बहुत अच्छा है, पैडल बोर्ड्स भी है, स्पीड बोर्ड्स भी है। यहाँ पे जो एक छोटा सा ट्री हाउस बना हुआ है जहाँ से आप ऊपर से व्यू देख सकते हैं। ओवरऑल ये जगह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी, एक तरफ आप अपना कॉफ़ी अपना ब्राउनी एंजॉय करो और ऊपर से साइड में जीरो वैली का व्यू। देवी और सज्जन नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी बियॉन्ड गुवाहाटी सीरीज में आपका स्वागत है। ये है एपिसोड नंबर 6। लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा हम ईटानगर से जीरो आए थे डॉर्नियर 228 में, जो कि अलायंस एयर चलाती है। बहुत ही एक प्यारा सा एयरक्राफ्ट है, 16 सीटर, एंड दैट इज मेड इन इंडिया। वो ब्लॉग जरूर देखना। इधर ही मैंने रूम ले लिया था एंड रूम प्राइस वॉज गुड, 1120 में एक सिंगल रूम दिया। अम्यूनिटीज़ अच्छे थे रूम में, सब केटल वगैरह सब कुछ था। तो रूम एक बार आप देख लीजिए, फिर निकल पड़ते अपन जीरो घूमने। जीरो में अपन 3-4 जगह घूमेंगे एंड फिर यहाँ से सुमो टेम्पो ट्रैवलर या बस जो भी मिले वो लेके चले जाएंगे ईटानगर। रोड भी जो है काफ़ी खूबसूरत है, तो इस वाले व्लॉग में आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे अपन 3 जगह घूमेंगे, एक है सी लेक, दूसरा है कासा रिसोर्ट और तीसरा है शिवलिंग। जो मैम मेरे साथ आई थी फ्लाइट में, उन्होंने मेरे को यही सजेस्ट किया था। तो फिलहाल मैंने टैक्सी कर लिए, निकलते हैं जल्दी घूमने, सुबह के 10 बज रहे हैं। फटाफट उनको घूमेंगे फिर चल पड़ेंगे ईटानगर के लिए। अभी सुबह के जो 10 बज रहे हैं, सबसे पहले जा रहा हूँ अपनी ईटानगर की टिकट लेने, सुमो में या जिसमें भी जाऊँगा वो पूछता हूँ जाके, क्योंकि वो ज़रूरी है, सामने की सीट जरूर से जरूर चाहिए ताकि आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना सकूँ। अच्छा, ये है हापोली टेम्पो स्टैंड, यहाँ से आपको टैक्सी भी मिल जाएगा, सारे टैक्सी खड़े हैं। यहाँ पे जो है आपका APSTS का काउंटर है, APSTS का ट्रैवलर जाता है सुबह 8:30 बजे, मगर क्या एक्सप्लोर करने के लिए टाइम चाहिए तो सुबह जा नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे है APSTS कैंटीन हापोली या काउंटर हापोली, यहाँ से बस की टिकट मिल जाती है डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए। तो 1 बजे बस चलती है, मैंने टिकट ले लिए बट मैं दोईमुख तक ही जाऊँगा। अच्छा, अभी जो है शिवलिंग के लिए निकल रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बामिन तारा है। बामिन तारा, तो ये जो है मेरे को आज तीन चार पॉइंट घुमा रहे हैं, इनकी इको गाड़ी है। अगर आपको चाहिए टैक्सी के लिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, नंबर वगैरह दे दूंगा इनका। अच्छा, आगे हैं श्री सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, ऑल्सो शिवलिंग भी बोला जाता है इसको। अच्छा, यहाँ पे जो है हवन चल रहा था, एक बड़ी फैमिली आई थी। ये है नेचुरल शिवलिंग, बाकी थोड़ी बहुत ना बारिश भी आ रही है, उम्मीद करते हैं ज़्यादा ना है क्योंकि हमको आगे और भी पॉइंट देखने हैं। चलते हैं सीधा कासा रिसोर्ट में। हाँ, तो क्रिस्टा का ही होगा। अभी जो है हम ओल्ड जीरो पे आ गए हैं, कल जहाँ मैं रुका था वो था हापोली। ये किसका गेट है? नहीं नहीं, ये कासा रिसोर्ट गेट खोलने। अच्छा ये आ गए हैं कासा रिसोर्ट में, बहुत ही बड़ा रिसोर्ट है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने को, ठहरने की जगह भी है एंड सबसे बढ़िया बात यहाँ से आपको पूरा जीरो वैली दिखेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले टिकट लेना पड़ेगा। अच्छा, जो पर पर्सन टिकट लगा दैट इज़ 100 रुपीज़। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क टाइप का है एंड आगे बहुत फन एक्टिविटीज़ है, ट्रैम्पोलिन वगैरह या बहुत कुछ, जो कि प्रोबेबली अकेला करने का तो नहीं है।
ये जी एक बहुत ही प्यारा सा सीसा है, आपको पूरा जो है आगे फील आएगा, लेकिन इस वक्त मैं अपने बॉडी के साथ इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाह रहा। और यहाँ पे है आगे एक बोटानिकल गार्डन, यहाँ पे जो एक छोटा सा ट्री हाउस बना हुआ है जहाँ से आप ऊपर से व्यू देख सकते हैं। ओवरऑल ये जगह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी, फ्यूचर में कभी आता हूँ तो रुकूंगा ज़रूर। यहाँ पे पेड़ का जो लॉक होता है ना उसका एक झूला बनाया हुआ है, क्रिएटिव बहुत है ये लोग। एंड सबसे बड़ी बात, सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है। तो बस यही था, अब बस यहाँ पे एक कैफ़े है, देखता हूँ अगर कुछ अच्छा मिले तो। और यहाँ पे जो ज़ीरो वैली है ना उसका आपको बहुत ही प्यारा सा व्यू मिल रहा है। यहाँ पे जो कैफ़े है ना, पाइनवुड कैफ़े, इट इज़ रियली रियली अमेजिंग। एक तरफ आप अपना कॉफ़ी, अपना ब्राउनी एंजॉय करो और ऊपर से साइड में ज़ीरो वैली का व्यू। एंड जितना अच्छा ये कैफ़े है ना, जितना अच्छा यहाँ का एम्बियंस है ना, प्राइसेस उस हिसाब से नहीं है, प्राइसेस बहुत ही चीप है। जस्ट लाइक आपको कैपेचिनो 100 का मिल जाता है, फिर दिस ब्राउनी इज़ 70। टाइम मेरे पास कम है आज, अगर मुझे पता होता ना कि जगह इतनी अच्छी है तो मैं डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग उठ के निकलता। वी डेफिनेटली कॉल दिस एज अ कॉफ़ी विद अ व्यू। कॉफ़ी जो है बहुत ही बढ़िया है, और ऑलरेडी सुबह के 11:20 हो गए, तो आगे सी लेक घूम के होटल चेकआउट करना है 12 बजे। फटाफट से ख़त्म करते हैं और निकलते बाकी के सफ़र पे। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जीरो सिटी से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए आपको इतना अच्छा व्यू मिल रहा है। बाकी देखो भैया ने फैन लगा रखे गाड़ी में, अच्छा भैया गर्मी में काम आएगा। हरी विलेज इस साइड है? हाँ, हरी विलेज यहाँ से। अच्छा अभी जा रहे हैं सी लेक की ओर, और यहाँ पे देखिए सब चावल की खेत है, पैडी फील्ड्स। कल जब मैं आ रहा था तब भी मैंने ये देखा था ऊपर से, बट मौसम जो है थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, ज़्यादा बारिश ना आए। आप रुकिए ना, टाइम इज़ 11:50, पहुँच गए हैं सी लेक। सामने मेरे बहुत ही प्यारा सा सी लेक है, छोटा सा ही ओवरऑल, इनफैक्ट बोटिंग वगैरह भी होता है मगर मैं करने नहीं वाला। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट एंड स्नैक्स बार है, एंड यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी। वहाँ पे चल रही है बोटिंग एंड बारिश आ रही है, तो बहुत जल्द इसको कवर करना पड़ेगा। एंट्री फी लगा 20 रुपये का। अभी आ रही अच्छी खासी बारिश, तो वापस मुझे होटल जाना पड़ेगा, बस भी है मेरी दोपहर को 1 बजे। देख लीजिए ओवरऑल लेक बहुत अच्छा है, पैडल बोट्स भी है, स्पीड बोट्स भी है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे आके एक बार घूमना ज़रूर चाहिए, मुझे तो आज खैर मौका नहीं मिला। बारिश तेज़ हो रही है और कंपाउंड काफ़ी बड़ा है, चारों ओर आप वॉकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अभी देखिए अभी ईटानगर जाऊंगा, रात को ट्रेन है, कल सुबह फिर गुवाहाटी से निकलना है जोरहट। और ये आगे हापुली में वही ऊपर अपना होटल है। हर जगह तगड़ी बारिश हो रही है। अच्छा जी, होटल मैंने चेकआउट कर दिया है, अब बारी है कुछ खाना पीना करने की एंड फिर जो है बस पकड़ने की। बस 1 बजे, तो फटाफट चलते हैं, 12:30 ऑलरेडी हो गए। अच्छा थोड़ा बहुत लेट हो गया और बारिश भी हो रहा है इसलिए मैं खाना वाना नहीं खा रहा, वरना मैंने खाया था कल मीट एंड ईट पे। तो बस फिलहाल करो बस का वेट, संडे है तो ये सब स्टोर वोर सब कुछ ही बंद है यहाँ पे मोस्टली चीज़ें। एनीवेज इतनी बारिश हो रही है कि खाना पीना मैं कुछ भी नहीं कर पाया, बस अगर कहीं रुकते तो वहाँ लंच करेंगे। वैसे मेरे को जाना गुवाहाटी है लेकिन मैं ट्रेन में जा रहा हूँ आज, मुझे पता नहीं था कि जीरो से गुवाहाटी की बस चलती है, और वैसे भी रूट पूरा रात को आएगा तो दिखाने को कुछ होगा नहीं। तो अगर आपको गुवाहाटी से जीरो या जीरो से गुवाहाटी आना है तो सब जानकारी मैं दे दूंगा।
बोट करते हैं और आगे रोड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, तो इस वाले व्लॉग में आपको मजा आएगा। टैक्सी के लिए मेरे को बड़े 1200 रुपये, हालांकि सुबह 1000 में बात हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि इतनी जगह रुके, इतना घूमना पड़ा, फिर आप 1200 दीजिए। और रास्ते में जो है 6 लड़कियों को लिफ्ट भी दी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ में ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं है कि आप एक बस पकड़ो इधर से उधर चले जाओ, लोगों को लिफ्ट वगैरह यहाँ पे देना ही पड़ता है। जो भी हो, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना तो लगता ही है। आ गई जी अपनी बस। अच्छा, ये आ गई अपनी बस, ये जा रही है सीधा शिलोंग। अब ऐसा लग रहा है कल अगर मेरी जर्नी नहीं होती ना गुवाहाटी से जोरहट की, तब मैं इसमें शिलोंग चला जाता सीधा। एनीवेज, इसका टाइमिंग यहाँ से 1 बजे है, आप गुवाहाटी आई थिंक पहुँच जाएंगे सुबह के 4-5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास, एंड इन अनदर 3 आवर्स आप शिलोंग पहुँच जाएंगे। मैं जो है इसमें दोईमुख उतर जाऊँगा, मतलब आप समझ जाइए आसाम अरुणाचल का बॉर्डर, वहाँ से फिर टैक्सी लेके नाहरलगुन, एंड वहाँ से अपन ट्रेन बोर्ड करेंगे। नाहरलगुन स्टेशन भी आपको मैं इस वाले ब्लॉग में दिखा दूंगा। अच्छा, एक बार आपको बस दिखा दिया जाए, वैसे तो अरुणाचल प्रदेश सरकार के पास अभी BS6 बसें भी है, मगर इस रूट पे वो मुझे नहीं मिला। अलग से अगर अरुणाचल सीरीज़ में करता तो डेफिनेटली उन बसेज में जर्नी रहेगी। हाईटेक बस है अपनी आज की, इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, इस वाली बस में आपको मिल जाता है 2x2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन, पुशबैक सीट्स है, ऑर्डिनरी बस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही 3x2 में आपको जो है परेशानी होगी। सीट अच्छे हैं काफ़ी, आई थिंक आराम से आप सो के जा सकते हैं गुवाहाटी शिलोंग जहाँ भी जाना चाह रहे हैं। बाकी जो इसका टाइम है गुवाहाटी से वो है शाम के 3 बजे ISBT से, और जो शिलोंग से टाइम है वो है दोपहर के 12 बजे, तो अगर आना चाह रहे हैं तो ये सर्विस ले सकते हैं। ये राजा भैया हैं अपने, ओके। और जो आज का मेरे को फेयर पड़ा 300 रुपीज़ यहाँ से शिलोंग का कितना लगता है तो यहाँ से अगर शिलोंग जा रहे हैं तो फेयर है आपका 1200 रुपए। तो फिलहाल 1 बजने वाले, हमारे कैप्टन साहब बैठ गए। क्या नाम है जी आपका? अभी पांडे। अच्छा जी, कहाँ से आप? नेपाल से। नेपाल से, ओके। अभी जस्ट आया था मैं नेपाल से 2 दिन पहले, काठमांडू गया था। अच्छा अच्छा, हाँ स्वयंभू जानता हूँ, स्वयंभू बस रुकती है ना दिल्ली वगैरह की। अच्छा, तो आपका टाइम ये था 12:30 बजे ओल्ड जीरो से और 1 बजे यहाँ से ना? 12 बजे ओल्ड जीरो से। अच्छा, 12 बजे ओल्ड जीरो से। दोपहर के फिलहाल 1 बज रहे हैं, यहाँ से निकल गए, जगह का नाम है टेम्पो स्टैंड हापुली। बाकी अगर आप चाह रहे हैं तो इस बस को ओल्ड जीरो से भी बोर्ड कर सकते हैं, जहाँ का टाइम दोपहर के 12 बजे है। सबसे ये कह रही है हाथों की लकीरें अब ये बयां कर रही है, तू जब से मिल गया है किस्मत बदल सी गई है। बनवाया था टूरिस्ट आईएलपी बनता है 3 दिन का 300 रुपये में, एंड 7 दिन का 500 रुपये में,
तो मेरा ज़्यादा स्टे नहीं था इसलिए मैं 3 दिन का बनवाया था। उसके लिए मेरे को लगे थे 300 रुपये। एंड वेबसाइट अभी बहुत ही अच्छा कर दिया है, जस्ट आप अपनी डिटेल्स डालो, फ़ोन नंबर डालो, एक फ़ोटो डालो, तुरंत 2 मिनट के अंदर आपका आईएलपी आ जाएगा। पहले वेबसाइट इतना अच्छा नहीं था मगर अब वेबसाइट बहुत अच्छा कर दिया है। दोपहर के जो है 2 बज रहे हैं, पहुंच गए हैं यजली, और यहाँ पे जो है एक जगह पैराग्लाइडिंग भी होता है मैंने देखा। बाकी साइड में था अपना रंगा नदी रिवर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा शहर है। जब साथ मेरे तुम होती हो मंजर लगे हर नया सा, एक पल को जाओ दूर जो तुम पहुँचे हैं 14 में। यहाँ पे टी गार्डन बहुत है, नज़ारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, और नीचे जो है वो रंगा नदी का डैम भी है। बाकी ये देखिए,
हार्ड लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है एंड बस जो है चली जाएगी गुवाहाटी। गुवाहाटी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग पहुँचा देती है सुबह के 4 बजे, मतलब एकदम फास्ट सर्विस है। बाकी कुछ नहीं, आज मेरे को यहीं पर उतरना है। मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि 0 गुवाहाटी बस चलती है, वरना मैं डेफिनेटली ये वाली बस लेता हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं, मात्र 3 घंटे में हम 0 से आ गए। मुझे लगा कि एटलीस्ट यार 5-6 घंटे लगते होंगे। रोड बहुत ही बढ़िया है, बस एक पैच थोड़ा सा ख़राब है। बहुत ही अच्छी लगी इनकी बस सर्विस। अगर मैं कंपेयर करूँ ना 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो सबसे अच्छी सरकारी बस सर्विस है अरुणाचल प्रदेश की। हर एक जगह, आप टाउन साइड बोलिए, आप 0 साइड बोलिए, आप दापोरजो साइड बोलिए, आप रोइंग साइड बोलिए, एंड इन्होंने सर्विस शिलोंग के लिए भी दे रखी है, इन्होंने सर्विस दिमापुर के लिए भी दे रखी है। मतलब एकदम अच्छे से कनेक्ट करेगा अरुणाचल प्रदेश को बाकी जगहों से। अगर बात करें आसाम की, तो उनको जितना करना चाहिए उतना नहीं किया, बट ठीक ठाक है उनकी सर्विस। फिर आ जाता है आपका मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, एंड सबसे बेकार, मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन वो है मेघालय की, क्योंकि उनकी बस सर्विसेज बिल्कुल कम है। ऐसा बोल सकते हैं कि ना के बराबर है, मतलब गिनती चुनती के बसेज होंगी। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में APSTS के साथ एक अरुणाचल सीरीज़ कर पाऊँ, जो रिमोट जगह है वो आपको दिखा पाऊँ। आलो बोलिए, फिर आप सेप्पा बोलिए, फिर तिब्बत बॉर्डर साइड बोलिए, हर जगह मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ से मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक अच्छी जगह मेरे को खाना है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया एक ब्राउनी के अलावा। फिर अपना एक वीडियो एडिट करना है, और फिर रात की ट्रेन लेके सो जानी है। नाहरलगुन स्टेशन भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। एक्चुअली जब बैक टू बैक ट्रैवल होता है, मैं प्रेफर करता हूँ कि कुछ नाइट्स जो है ट्रेन में बिता लूँ, ताकि आराम से सो सकूँ एंड अगले दिन एकदम फ्रेश निकल सकूँ एक अगले व्लॉग के लिए। देखता हूँ कोई अच्छी जगह है कि नहीं यहाँ पे खाना खाने के लिए। ज़रूर बता दीजिए आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। अगर आप और ऐसे व्लॉग्स देखने चाहते हैं जिसमें बस जर्नी के साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लोर करना भी है, वो भी बताइए, ताकि आपके फीडबैक के बेसिस पर ही मैं वीडियो बना पाऊँ। शाम के 7:15 बज गए, पता नहीं इतना टाइम कैसे निकाल लिया। इस टाइम में जो है मैंने खाना भी खाया, इस टाइम में जो है वीडियो एडिट भी किया, रेंडर भी किया, अपलोड भी कर दिया। आज छोटा वीडियो था तो अपलोड हो गया, वरना मुश्किल था। एक कैफ़े मिला मेरे को चिकन अड्डा करके, उनके पास वाईफाई था। अपनी ज़िंदगी ऐसी ही चलती है, वाईफाई वाला कैफ़े ढूँढो, वाईफाई वाला होटल ढूँढो, उसका स्पीड देखो। ये घर से बाहर रहना है तो वीडियो भी अपलोड करना है, घर पे तो चलो वाईफाई लगा रखा है। दिक्कत ये है कि क्या वाले यहाँ पे जो मर्ज़ी प्राइस बोल रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा कि मैं गया टैक्सी स्टैंड, टैक्सी वैसे ही कम थी, उन्होंने जो रेट कोट किए 11 किलोमीटर के लिए, कोई बोल रहा है 800, कोई बोल रहा है 700। एक भाई जो है 500 में भी माने, उनका घर उस साइड था, पर फिर भी 500 भी मतलब 50 रुपीज़ पर किलोमीटर। मैंने कहा कि कुछ कम करो, बोलते कि नहीं कम तो नहीं होगा। ऑल्टरनेट ऑप्शन ये था कि मैं 5 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है गुमटो, वहाँ आ जाऊँ। बहुत ही छोटा सा स्टेशन है, पीछे आई थिंक स्टेशन का बिल्डिंग भी नहीं दिख रहा होगा आपको, वहाँ आ जाऊँ। वहाँ तक ऑटो में मैंने दिए 230 रुपये। ट्रेन यहाँ पे आएगी 8:30 को। इतना रिमोट लोकेशन है, और जो रोड से आए ना अपन, भाई साहब कतई ख़राब। बस जी, आज के ब्लॉग को एंड कर देते हैं, थोड़ा आराम से सो के गुवाहाटी जाने दो, रात रात की जर्नी कुछ दिखाने को है नहीं। डोनी पोलो एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाला हूँ 15818 सेकेंड AC में। थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।